नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ने साफ तौर पे बोल दिया है कि हम BSNL और MTNL को कभी भी बंद नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री बनाई, जिसके अंदर अमित शाह जी ने आज अप्रूव किया है कि हम BSNL और MTNL को रिवाइवल प्लान भी देंगे। और रिवाइवल प्लान के अंदर जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि 29,000 करोड़ रुपीज वो BRS के लिए दे रही है। BRS मीन्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के लिए दे रहे हैं। साथ ही साथ उसमें दूसरी जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि वो लोग 20,000 करोड़ रुपीज 4G स्पेक्ट्रम के लिए दे रहे हैं, और साथ ही साथ 13,000 करोड़ रुपीज दे रहे हैं 4G सर्विस को चलाने के लिए। इसका फायदा ये होगा कि अगर 4G आ गया तो दूसरी नेटवर्क कंपनियां अपने आप कम हो जाएंगी, क्योंकि BSNL का जो 3G का स्पीड है, हम और आप चलाते हैं तो हमें पता है कि बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन जब ये 4G हो जाएगा तो शायद ये सेवा और भी बेहतरीन हो जाएगा। फिलहाल उन्होंने 5G के लिए अभी ऐसा कोई डेट नहीं फिक्स किया है कि हम 5G की स्कीम कब और कैसे करने वाले हैं, लेकिन 4G के लिए रिवाइवल प्लान घोषित हो चुका है। ये जो 4G की सर्विस है ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि 3G BSNL का बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर हम और आप 4G की स्कीम पाएंगे तो शायद वो और भी बेहतरीन होगा। जो दूसरे नेटवर्क हैं उनको ये समझ आएगा कि नहीं, BSNL जैसी हमको सर्विस देनी चाहिए, तो वो भी अपने नेटवर्क में और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे और आपके प्रयास से। कि अभी आपने देखा होगा पीछे बहुत ही अच्छे तरीके से जनता ने भी सपोर्ट किया है BSNL को। कई ऑफिसेस में, जैसा कि मैंने देखा जम्मू कश्मीर में और कई जगहों पे, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने सिम खरीदना स्टार्ट किया। वहाँ के कार्यालय में काफ़ी भीड़ लगी, जिससे कि BSNL को काफ़ी दम मिला और काफ़ी उनको सहयोग मिला हम लोगों का। और उसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने फाइनेंस मिनिस्टर का, अपने टेलीकॉम मिनिस्टर का और होम मिनिस्टर का, जो उन्होंने BSNL को रिवाइवल प्लान देने के लिए कोशिश किया और उन्होंने सहयोग किया। गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि नहीं, लोग BSNL और MTNL को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। उनको लगा कि नहीं, ये ज़रूरी है और ये देश में रहना चाहिए। तो ऐसे ही अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये देश में गलत हो रहा है, हमें लग रहा है ये गलत हो रहा है, तो हमें स्टेप उठाना चाहिए। आपको इस एक छोटा सा स्टेप लेना है, इस वीडियो को शेयर बटन पे क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, जिससे कि हम सब और आप जो भी लोग इस BSNL के लिए काम कर रहे हैं या जो लोग BSNL सर्विस ले रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी हो सके ये। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और शेयर तो आप करेंगे ही, और जो नए लोग हैं आप सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। हम इस तरीके की जो भी PSUs की न्यूज होती है, जो जरूरी होती है, आप तक लेके आने की कोशिश करते हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।